टाइप का, उसी में का आपका ये वीडियो है और आप समझ रहे हैं उसी में का हमने ऐड करके बना दिया है। तो आपका जो केमिस्ट्री का है वो पार्ट पड़ चुका है, उसको देख लेना। यहाँ पर आज आपका फिजिक्स और बायोलॉजी हो सकता है, दोनों मिला करके बता दें, क्योंकि एग्जाम आपका जस्ट है। तो इसको देख रहे हैं आपका, ये एक दर्पण है, एक लेंस है, दोनों का फिगर देख सकते हैं। लेंस का फिगर है वो, उसमें हमें बिंदु को इसमें मान के चलना है। इसमें जो सेंटर में बीच में है आपका सी प्रकाशी केंद्र, और इसमें आपका ध्रुव है। एफ को हम फोकस बोलते हैं, सी जो यहाँ पर है, यहाँ पर आपका ये आपका एक वक्रता केंद्र है, ये वाला आपका प्रकाशी केंद्र है, वक्रता केंद्र है, ठीक है। इसी तरीके की दिमाग से मैंने, ये आपका आपका प्रथम फोकस का पहला है, ये दुगना फोकस है प्रथम, ये द्वितीय फोकस है, और द्वितीय फोकस का ये दूसरा फोकस है, मतलब दोनों दोनों साइड आपका एक फर्स्ट एक सेकंड होता है, इस साइड भी इस साइड भी, इसको हम पहला पहला, इसको हम दूसरा दूसरा मान। तो आप दिमाग में रहिए, जिधर से आपको वस्तु रखे उसको पहला मानेंगे, जिधर वस्तु हम हमारा नहीं है उधर हम दूसरा मानेंगे, ये दिमाग बढ़ गया। हमें इसमें बिंदु को इधर से, इस जहाँ से लेंस दिख रहा है, जहाँ से इसमें दर्पण दिख रहा है, इसके इधर के एरिया को हम बिंदु मान के चलते हैं, इसको हम बिंदु को मान के चलते हैं। कैसे कैसे दिमाग में बैठाइए, देखिए एक बिंदु ये हो गया आपका, एक बिंदु बीचों बीच में, एक बिंदु के बाद फोकस दूसरा बिंदु, और दूसरा फोकस तृतीय बिंदु, तीसरा बिंदु, ठीक है। तो और उसके बाद अनंत चौथा बिंदु, चार बिंदु आपका मेन मेन होना चाहिए, अनंत, दुगना फोकस, फोकस वाला, और उसके बाद आपका प्रकाशन, चार बिंदु हो गए ना। सभी के बीच में एक एक बिंदु और मान के चलिए, सभी के बीच में एक एक और बिंदु मान के चलिए। ये अब बताइए, चार तीन सात बिंदु हो गए, कितने बिंदु हो गए, सात बिंदु हो गए, दिमाग बैठ गया ना, कितने बिंदु हो गए, सात बिंदु हो गए। जब हमारा सात बिंदु जो हो गया, सात बिंदु में हमें क्या करना है, इसी में हमें वेरीफाई करना है। इसमें भी हमारा देखेंगे तो हमारा यहाँ से एक बीच में ये बन जाएगा, एक बीच में ये बन जाएगा, एक बीच में ये बन जाएगा, यहाँ पर है तो एक, ये देखिए ये चार हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः सात, इसमें भी सात आपका एक यहाँ पर, ठीक है, सात बिंदु इसमें भी हो गए। सात बिंदु में हमें क्या कैसे करना है, ये दिमाग बैठाना है, ठीक है। सबसे पहला होता है अनंत, जब अनंत पे वस्तु रहे तो हमारा फोकस भी बनेगा, अनंत पे रहे तो फोकस बनेगा, इसमें भी अनंत पे रहेगा तो फोकस भी बनेगा, ठीक है, दिमाग बढ़ गया ना। अनंत से आगे खिसकेगा तो दुगने फोकस पे, इसमें अनंत से आगे खिसकेगा तो प्रकाशी केंद्र के बीच में, इसमें आपका दुगने फोकस के बीच में पहला जो बिंदु बनता है, पहला बिंदु अनंत के बाद पहला बिंदु हमारा कौन सा बनता है, इसमें 2F1 बनता है, और इसमें कौन सा बनता है, सी बनता है। तो इस इनके बीच में जब हम वस्तु वस्तु रखेंगे तो इसमें हमारा यहाँ पर रहा था जो दर्पण, क्योंकि ये लेंस है, लेंस में पूरा किलर पार होगा, इसमें पार नहीं होगा तो ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, लेंस में हमारा इधर प्रतिबिंब भागता है और दर्पण में हमारा प्रतिबिंब इधर भागता है। तो दिमाग में इसको जब इसमें बीच में करेंगे तो तुरंत आपका ये इसके बीच में आ जाएगा, मतलब हम जब हमारा अनंत और 2F1 के बीच में होगा तो F2 और 2F2 के बीच में बनेगा, ठीक है। और हमेशा याद रखना वास्तविक होगा उल्टा होगा, वस्तु के छोटा होगा, वस्तु के छोटा भी करना है, कब पर करना है बड़ा, जब हम बीचों बीच में, सात सात उंगली हो तो बीचों बीच में कौन सी उंगली पड़ेगी आपको पता होगा, सात उंगली है तो आपको बीचों बीच में कौन सी उंगली पड़ेगी आप देख लीजिएगा, तीन इधर तीन इधर तीन इधर तीन, मतलब कि चौथी उंगली, चौथी उंगली, तो चौथा कहाँ पहुंचेंगे, दिमाग बैठे, 2F1 यहाँ पर थे, फिर यहाँ पर थे, फिर यहाँ पर है, जब हमारा 2F1 पर पहुंचेंगे तो ये 2F1 पर ही बनेगा, जब इसको हम 2F1 पर रखेंगे तो 2F1 पर ही बनेगा, और इसी तरीके से जब हम सेंटर पर रखेंगे तो सेंटर पर ही बनेगा। एक बात यहाँ पर, अनंत पे रखे थे फोकस पे बना था, अनंत पे रखे थे फोकस पे बना था, परंतु जब हम फोकस पे रखेंगे तो अनंत पे बनेगा, फोकस पे रखेंगे तो अनंत पे बनेगा, ये दिमाग, तीनों पर ऑप्शन बहुत पूछे जाते हैं, फोकस पे रखेंगे तो अनंत पे बनेगा, अनंत पे रखेंगे तो फोकस में, वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वक्रता केंद्र पे बनेगा, यानी प्रकाशी केंद्र पर यहाँ पर 2F1 पर रखेंगे तो 2F2 पर ही बनेगा, 2 पर 2 पर बनेगा, ये चीज दिमाग में रखो। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं दिमाग में, जब एकदम करीब पहुंच जाते हैं, यहाँ एकदम करीब, इसमें सेंटर हमारा प्रकाशी केंद्र यहाँ पर बीच में है, और यहाँ पर आपका क्या है, वक्रता केंद्र, यहाँ पर ध्रुव है बीच बीच में, तो ध्रुव और ये फोकस के बीच में, यहाँ पे आपका प्रकाशी केंद्र, जब एकदम करीब पहुंचते हैं ना तो सारा सिस्टम उल्टा हो जाता है, मतलब यहाँ पर आभासी हो जाता है, आभासी हो जाता है, बाकी उसके पहले वास्तविक, उसके पहले वास्तविक, उसके पहले वास्तविक, उल्टा उल्टा उल्टा, लेकिन यहाँ पर आभासी सीधा, आभासी जब एकदम करीब पहुंच जाए, इसमें भी जब करीब पहुंच जाए इसमें, ये चीजें याद रखना, बाकी आप दिमाग से बैठा सकते हैं कैसे कहाँ पर है, सारी चीजें याद करके काम करनी चाहिए। ये था हमारा, अब इससे जुड़ा हुआ हमारा एक अवतल लेंस आता है, अवतल लेंस में क्या करना है, वस्तु अनंत पे हो तो फोकस पे बनाइएगा, और जब इन दो इनके बीच में कहीं पर भी हो तो इनके बीच में कहीं पर भी बनाइए, यानी आपका अनंत और प्रकाशी केंद्र के बीच में हो तो अनंत और प्रकाशी केंद्र के बीच में ही बनेगा, ये आपका अवतल लेंस का हो जाएगा, इसी तरीके से दर्पण में भी। तो इसको प्रोसेस समझ लीजिए, इसमें आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दिमाग में बैठा लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अगला हम चलते हैं, पहुंचे आपको दिखाते हैं कि अगला इसमें से पूछा जाने वाला क्या क्या चीजें, ठीक है, जो कि आपको पता होना चाहिए। एफ बराबर आर अपान टू, एफ जो है आपका फोकस दूरी है,
आर आपका वक्रता त्रिज्या है और टू आपका समझते ही क्या है, आर आपका क्या है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या ठीक है अपान टू, और ये क्या है फोकस दूरी, ये क्या है फोकस दूरी, फोकस दूरी ठीक है। तो इस सूत्र को याद रखिएगा, कभी आपका ऐसे पूछा जा सकता है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध बताइए, तो आपको ये फार्मूला हेयर उसमें आपको ढूंढना है, ये किसी भी तरीके से हो सकता है, ये इस तरीके से भी हो सकता है। आर बराबर आर यहाँ पर छोड़ेंगे, देखिए आर यहाँ पर छोड़ दिए, टू यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा टू एफ, क्या हो जाएगा टू एफ, ये इस तरीके से भी। इन दोनों सूत्र में से कोई भी सूत्र आपको अगर विकल्प मिल रहा है तो सही मान लीजिएगा। अब इसको कैसे बोलेंगे, जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी का दोगुना होता है, वो कितना होता है दोगुना होता है, और जो फोकस दूरी होता है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। मतलब आपका सवाल में भी इस तरीके से आता है, जिससे आपका सवाल पूछा जाएगा कि एक आपका गोली दर्पण है, एक उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में आपका जो है फोकस दूरी, जिसकी फोकस दूरी आपका दिया गया है, क्या दिया गया है फोकस दूरी 10 सेमी दिया गया है, आपका एफ बराबर 10 सेमी दिया गया है, कितना दिया गया है प्लस 10 सेमी। अगर फोकस दूरी प्लस 10 सेमी दी गई है तो उसकी वक्रता त्रिज्या निकालना है। अब दिमाग में लगाइए, इसको विकल्प में निकालना है, आप समझ सकते हैं कि त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की दोगुना होती है, इसका मतलब इसका हम दोगुना कर देंगे, इसका हम क्या कर देंगे दोगुना कर देंगे, तो दोगुना करेंगे तो 10 दूना 20, 20 सेमी आ जाएगा। एक बात दिमाग में और बैठा के रखना है आपको, जब उत्तल आए, क्या आए उत्तल, उत्तल आए तो आपको प्लस में लिखना है, और अगर आपका अवतल आए, क्या आए अवतल आए तो आपको माइनस में लिखना है, तो आपका आंसर सही आ जाएगा। ओके, अगर अब इसी तरीके का हम बहुत सवाल हैं आपको आपको मिल जाएगी, अभी बुक में रख लेना आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से और सवाल हम मान लीजिए, जैसे कि देखिए एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेमी है, ये क्या है अवतल दर्पण है, और इसकी फोकस दूरी 15 सेमी है, कितनी है 15 सेमी है, इसकी वक्रता त्रिज्या निकालना, इसकी क्या निकालना है वक्रता त्रिज्या निकालना ठीक है। तो अब दिमाग निकालिए फोकस दूरी की, ये चर्चा किसकी हो रही थी, ये फोकस दूरी की चर्चा हो रही थी, प्लस माइनस फोकस दूरी की बात हो रही थी, इसका मतलब जो ये है 15 ना, इतनी जान लीजिए माइनस में है, मतलब इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो हमारा क्या होगा 15 दूना 30 होगा, मतलब हमारे ही 30 हो जाएगा। कभी कभी इसका रिवर्स में इसका उल्टा भी पूछा जाता है कि आपका जो है वक्रता त्रिज्या आपका 20 से भी दिया गया है, वक्रता त्रिज्या क्या दिया गया है 20 से भी दिया गया है, और वो आपका क्या है वो आपका है अवतल दर्पण, क्या है अवतल दर्पण, इसकी फोकस दूरी निकालना है, इसकी फोकस दूरी तो 20/2 करेंगे, 20 का आधा कर देंगे, मतलब 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 10, 10 सेमी आपका आ जाएगा ठीक है। अगर आपका यहाँ पर 10 सेमी आपका निगेटिव हो, निगेटिव लगा सकते हैं, लेकिन ये 10 नहीं, मतलब आप समझ गए फोकस दूरी जब निकालना होगा तो हमें वक्रता त्रिज्या आधा करना होगा, और वक्रता त्रिज्या निकालना उसका दोगुना करना पड़ेगा, एक तरीके से इसको भी आपको आना चाहिए ठीक है इसमें से। और इसमें की जो सवाल बचती है, एक सवाल आपकी बचती है इस सूत्र पर जो कि आपको पता होना चाहिए, वो आपका सूत्र पर सवाल आपको पूछा ही जाएगा, मतलब आपका डायोप्टर वाला पूछा जाएगा, कौन सा डायोप्टर वाला, जैसे कि अगर हम समझते हैं यानी कि हमारा निकालना हो मान लीजिए क्षमता पी बराबर निकालना हो, पी बराबर जब हमें निकालना हो तो हमारा जो निकालना होगा हमें वो देखना है कि यहाँ पर आपका 100 हो/2 हो, 100 हो/2 हो, या तो ये अगर 100 हो तो आपका सेमी में होगा, किस में होगा सेमी में होगा, दिमाग बैठा लीजिएगा, अगर आपका 1/2 हो तो ये आपका मीटर में होगा, किस में होगा मीटर में, इस तरीके से सवाल आपको निकालना है। दो मतलब दोनों सूत्र सेम ही है, आप निकाल सकते हैं, अब डायरेक्ट आपका बहुविकल्पी में आएगा, ऑब्जेक्टिव में क्या पूछा जाएगा तो उसमें आपको निकालना कैसे है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 100 है, आपको एक सवाल मिल रही है उसमें लिखा है कि एक लेंस की फोकस, लेंस में आ गए मतलब पूरा पार्ट मिला के, एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है, फोकस दूरी बोला जा रहा है कितना है 20 सेमी, फोकस दूरी 20 सेमी है, यहाँ पर बोला जा रहा है फोकस दूरी 20 सेमी है, तो उसकी क्षमता निकालिए, उसकी क्या निकालिए, ये क्या होती है ये आपकी क्षमता होती है, लेंस की क्षमता होती है, दिमाग में डालिएगा क्या होती है क्षमता ठीक है, ये क्षमता होती है, तो लेंस की क्षमता निकालिए, तो आप देखिए सेमी में है मतलब 100 से मतलब रखेगा, मतलब 100/20 कर देंगे, 100/20, 20 × 5 = 100, मतलब 5 डायोप्टर निकाल देंगे, क्या 5 डायोप्टर लिखेंगे। अब दिमाग नहीं बैठाना है 5 डायोप्टर, ये कौन सा लेंस था, ये उत्तल लेंस था, उत्तल लेंस है तो हम इसको क्या करेंगे प्लस में या माइनस में, इस तरीके समझ सकते हैं। इसी जगह पे अगर आप हम समझते हैं मान लीजिए कि आपका पूछ लिया जाए कि मान लीजिए फोकस दूरी जो है आपकी 20 सेमी है तो ये आपका माइनस इतना डायोप्टर होगा, लेकिन इस तरीके से अगर पूछ लिया जाता है कि यदि आपका फोकस दूरी 2 मीटर है, फोकस दूरी आपका दे दिया गया या बराबर दिया गया 2 मीटर है, कितना है 2 मीटर, तब आप पी निकालिए मतलब क्षमता निकालिए, तब आपको क्षमता निकालना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये 2 मीटर है इसको 1/2 करना, क्योंकि मीटर में हो तो 1 से भाग करना पड़ेगा, उसमें 1 से भाग करेंगे नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर 0 बढ़ेगा, 2 × 5 = 10, 5,
इतना आ जाएगा 0.5 डायोप्टर। अब इसको हमें देखना होगा कि कौन सा लेंस है प्लस, अगर ये हमारा उत्तल लेंस है तो प्लस में लिखेंगे और अवतल लेंस है तो माइनस में लिखेंगे। ये चीज हमें दिमाग में बैठाना है, इसमें नहीं बैठाना था लेकिन इसमें बैठाना है, तो ये प्लस माइनस डायोप्टर वाली क्षमता आपको निगेटिव पॉजिटिव में लिखना है। तो इस तरीके से इसमें की सवाल भी आप लगा लेंगे शायद, तो कम्प्लीटली आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जैसे, वो सारी चीजें यहाँ पे बता रहे हैं। अब इसके बाद जो आपका छोटी सवाल एक आती है वो आती है, वो तो थोड़ा लॉन्ग में भी आ जाएगी, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपका जैसे कि वो होता है आपका लेंस का सूत्र या दर्पण के सूत्र पर, लेंस का सूत्र या दर्पण के सूत्र पर, वो सवाल आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा तो जाएगा रही, लेकिन छोटे में कभी कभी पूछा जा सकता है। आप समझ सकते हैं जो आपका 1/f बराबर होता है 1/u + 1/v + 1/u, ये वाला आप इसको निकाल कर इस पर भी रखना सीख लीजिएगा। जो v है प्रतिबिंब की दूरी, u है वस्तु की दूरी, f है फोकस दूरी, सवाल में से निकालिए और रखिए, लगाइए सॉल्व हो जाएगा। इस सूत्र पर भी आप निकाल कर लगा लीजिएगा, सवाल आपको समझ में आ जाएगी। इसके बाद आपको हम इसमें के सवाल जो भी हैं हम लगा के पूरा बता दिए हैं। अब हम चलते हैं अगले आपके नेक्स्ट पार्ट में, जो आपका है एक चैप्टर बचता है आपका जो कि है दोष वाला। दोष एक है आपका निकट दोष, कौन सा है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, एक है दूर दृष्टि दोष, ठीक दूर दृष्टि दोष, ठीक है निकट दृष्टि दोष दूर दृष्टि दोष, दो दोष आपके पास हैं। दो दोष में इसको परिभाषा आपको बनाना हो, परिभाषा समझ सकते हैं। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, मनुष्य को जो जो लिखा है, जो लिखा है वो है नहीं, दिमाग में रखना जो लिखा है वो है नहीं और जो नहीं लिखा है वही है। निकट दृष्टि दोष वाले को निकट की वस्तुएं दिखाई देंगी परंतु दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी। दूर की वस्तु दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं तो दिखाई देंगी परंतु निकट की वस्तु नहीं दिखाई, मतलब आप समझ सकते हैं दोष कैसा है। और इसमें क्या होता है, इसमें दिखने का जो कारण होता है वो आप समझ सकते हैं, उसको डिटेल में दिखना। लेकिन इसमें जो लेंस होता है, लेंस दो ही प्रकार का, अवतल लेंस उत्तल लेंस, अवतल लेंस उत्तल लेंस। अब अवतल उत्तल में देखिए, दिमाग में लगा लीजिएगा, बैठा लीजिएगा, आपका कभी हटेगा नहीं। देखिए अब देखिए निकट और दूर शब्द को पकड़िए, निकट और दूर में कौन सा शब्द बड़ा है, निकट बड़ा है ना, तो उत्तल और अवतल में शब्द को पकड़िए कौन बड़ा है, अवतल में तो निकट अवतल देख लीजिए बड़ा बड़ा नाम है, दूर और उत्तल छोटा छोटा नाम है, मतलब निकट और दूर में कौन सा छोटा नाम है, दूर, तो उत्तल और अवतल में कौन छोटा नाम है, उत्तल, तो उत्तल लगा लीजिए, लेंस लगा लेंगे। इसके चश्मे में कौन सा लेंस लगाया जाएगा, दूर दृश्य वाले के उत्तल में और निकट वाले के अवतल में, ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद स्वस्थ मनुष्य का जो आपका न्यूनतम दूरी होती है, स्वस्थ मनुष्य के लिए जो न्यूनतम दूरी होती है वो न्यूनतम दूरी उसकी कितनी होती है, दिमाग में बैठाइएगा, न्यूनतम दूरी जो होती है वो होती है 25 सेमी, कितनी होती है 25 सेमी। और जो अनंत दूरी होती है, क्या अनंत दूरी होती है, हो अधिकतम दूरी यहाँ पर लिखा जाएगा, क्या अधिकतम दूरी, अधिकतम अधिकतम दूरी जो होता है वो होता है अनंत, वो क्या होता है अनंत, ठीक है ये दिमाग में दोनों, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पूछा जाएगा। जो न्यूनतम दूरी होती है 25 सेमी, जो अधिकतम दूरी होती है अनंत होता है, ठीक है ये हो गया। और एक चीज आपका जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है, आपकी आंख में कौन सा लेंस लगाया जाता है वो उत्तल लेंस होता है, आंख में कौन सा लेता है उत्तल लेंस, जो कि उत्तल लेंस आपका कैसा होता है वो अभिसारी होता है, क्या होता है अभिसारी लेंस होता है। और जो अवतल लेंस होता है, जो अवतल लेंस होता है अवतल, वो आपका अपसारी होता है, कौन सा होता है अपसारी होता है, दिमाग में। तो आपके यही आंख में यही काम करना है, मतलब आपकी आंख में लेंस उत्तल लेंस, उत्तल लेंस मतलब अभिसारी लेंस, मतलब अभिसारी आपका काम करेगा, ये चीज आपका हो जाता है। तो यहाँ पर आपका ये चीजें हो गई। अब यहाँ पर बच रहा है क्या, कुछ वैसे तो बच नहीं रहा है हमारी समझ से, तो सारी चीजें इसमें बता दिए हैं और कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं। इतने में आपका 100% जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, इतने में ही नहीं जितने में इतने में, ये हो गया। अगले पार्ट पर अगर चलते हैं तो हम पहुंचते हैं आपके लिए जो कि विद्युत धारा जाता है, विद्युत धारा वाले पार्ट से अगर हम देखते हैं, एक आपका इसमें जो एक जो आपका इसके बाद आपका क्वेश्चन बनता है, एक बनता है I बराबर क्यू अपान टी, एक बनता है, और ये I बराबर, ये आई बराबर है क्या, आई बराबर क्यू अपान टी, आई बराबर बी अपान आर, ठीक है सभी के मान जान लीजिए। आई कहते हैं विद्युत धारा, क्या बोलते हैं विद्युत धारा, ठीक है मात्रक हो जाएगा एम्पियर, मात्रक हो जाएगा एम्पियर। और क्यू को बोलते हैं आवेश, क्या बोलते हैं आवेश, इसका मात्रक हो जाएगा क्या आपका कूलाम। उसके बाद आपको टी बोलते हैं समय को,
उसका मात्रक हो जाएगा सेकंड। उसके बाद आपका वी होता है विभवांतर, इसमें भी आपका क्वेश्चन मिल जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा एकदम बारीकी से। विभवांतर इसका मात्रक होता है बोल्ड। उसके बाद आपका आर होता है, इसका मात्रक मतलब ये इसको बोलते हैं प्रतिरोध, इसका मात्रक होता है ओम, इसका मात्रक होता है ओम। ठीक है, इतनी चीजें हो गई। आपका भी अगर मान लीजिए पी आ गया तो ये आपका होता है शक्ति सामर्थ, इसका मात्रक होता है वाट। ठीक, यहाँ तक आपका सारी चीजें हो गई हैं, लगभग जो भी और आगे आएगा हम उसको बताते चलेंगे। इतने में से आपका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, इतने में से आपका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये फार्मूला याद होना चाहिए, इससे आपके सवाल घुमा फिरा के पूछी जाएंगे। कभी भी आपको विभवांतर दे दिएगा, विद्युत धारा पूछा जाएगा, विद्युत धारा को दिया गया विभवांतर पूछा जाएगा, और आपका ये मतलब तमाम घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे, और आपका जो जो परिपथ वाली सवाल होती है उसको लगा लीजिएगा, जो कि आपको न्यूमेरिकल में पूछा जाएगा। किस में पूछा जाएगा? न्यूमेरिकल में पूछा जाएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा पहला। ओके, तो ये आपका इनमें से याद कर लीजिएगा, अगर आप तो समझ लीजिए एक नंबर का काम कर लीजिएगा इसमें से, इतने में से। ये आपका मतलब आपका विद्युत धारा, उसको मात्रा का एम्पियर। अब इनकम अगर हमें इंग्लिश में लिखना हो, एम्पियर को हम ए लिखेंगे, कूलाम को हम क्या लिखेंगे, इसमें कूलाम को हम सी से लिख देंगे, इसमें सेकंड को हम एस से लिख देंगे, वोल्ट को हम वी से लिखेंगे, ओम को हम इस चिन्ह से लिखेंगे, वाट को हम डब्ल्यू से लिखेंगे। ये सभी चीजें का चिन्ह हो गया, ये याद हो गया, समझ लीजिए काम हो गया। यहाँ से आपको किसी भी तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब एक अश्वशक्ति बराबर हमें देखना है, एक अश्वशक्ति बराबर, एक अश्वशक्ति, एक अश्वशक्ति बराबर कितना हो जाएगा? 746 वाट, 746 वाट, ये हो जाएगा 746 वाट। एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट, ये आपका हो जाता है। और सूत्र आपका ये कई तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, वी बराबर हो जाएगा, वी यहाँ छोड़िए तो आई आर हो जाएगा, वी बराबर आई आर हो जाएगा। अगर आर आप यहाँ पर ले जाए तो आई यहाँ चला जाएगा, मतलब आर बराबर हो जाएगा क्या, आर यहाँ चला जाएगा तो वी अपॉन आई हो जाएगा। इस तरीके से सूत्र आपका कन्वर्जन किसी तरीके से भी हो सकता है। यहाँ पर विद्युत धारा, आवेश प्रवाहित धारा कितने समय में तय, आपकी धारा जो धारा है वो कितने समय में कितने आवेश बह रहे हैं, वही आपका विद्युत धारा हो जाएगी। विद्युत धारा यानी कितना वोल्टेज है और कितने प्रतिरोध क्षमता उसमें है, वो सारी चीजें आपको जाएंगी। तो इसको हम शॉर्टकट में सारी चीजें बता रहे हैं। और कभी कभी जो होता है आपका जो किलोवाट आपका जो मतलब ऊर्जा जो होती है, जो हमारा ऊर्जा हो जाएगा, जो हमारा ऊर्जा निकलेगा, ठीक है, ऊर्जा जब उसको हम निकालेंगे तो जूल में निकालेंगे, किसमें? जूल में। ठीक है, दिमाग बैठा लीजिए। ठीक है, और जब हम पूरा उसका यूनिट हम निकाल लेंगे तब हम उसको हम अलग से निकालेंगे। 1 किलोवाट घंटा में हम अगर बात करते हैं, 1 kW में, 1 kW बराबर हमारा हो जाएगा 3 × 10^6, ये आपका हो जाएगा 1 kW बराबर, 1 kW, 1 kW, 1 kW आप समझ सकते हैं। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, 1 kW। यहाँ से ये चीजें पता हो गई, और सारी चीजें, कोई भी चीजें जो बचनी नहीं चाहिए मैं समझता हूँ, सारी चीजें हमने लिख लिया। और इतनी सवाल, इतनी चीजें अगर आप कर लेते हैं तो वैसे भी आपको मिलने वाला है मार्क। ठीक है, तो बाकी ओम का नियम का सूत्र जो है, ओम के नियम के आधार पर, ये ओम का नियम हो जाता है, आपके ओम के नियम के आधार पर आप इसको सिद्ध कर दीजिएगा। और कितने जूल होते हैं ये भी हमने बता दिया। ठीक है, मतलब 1 किलोवाट घंटा में आप समझ सकते हैं, 1 किलोवाट, 1 किलोवाट का मतलब, 1 किलोवाट का मतलब समझ सकते हैं 1000 वाट, 1000 वाट, और घंटा का मतलब समझ सकते हैं 1 घंटा, 1 घंटा। टोटल मिलाकर अगर हम देखते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, यानी कि अगर हम ये 1000, ये जूल प्रति सेकंड काम करेगा, जूल प्रति सेकंड ये काम करेगा, और अगर गुणा करें हम इसके साथ तो 60 × 60 सेकंड ये काम करेगा, तो टोटल मिला करके हमारा ये हो जाएगा इतना 10^6। देखिए, 3 यहाँ से 2 यहाँ से और 1 मिला के 6, और बाकी 6 × 36 है, एक यहाँ पर दशमलव लाने के लिए, तो ये मिला करके हो जाता है। ये भी वही चीज़ है, बस केवल हल किया गया, तो यहाँ से आपका ये हो जाता है। एक काम और करते हैं, आपका जो यहाँ पर जैसे कि आपका जो तंतु बना होता है, बल्ब में जो आपका तंतु बना होता है, तंतु आपका जो बना होता है तंतु, वो टंगस्टन का बना होता है, वो किसका बना होता है? टंगस्टन का। उसके बाद जो आपका स्त्री में तार होता है, स्त्री में जो प्रेस में जो होता है, स्त्री मतलब प्रेस आप समझ सकते हैं, उसमें जो जो होता है वो नाइक्रोम होता है। क्या होता है? नाइक्रोम, हीटर, हीटर, ये सब नाइक्रोम, बाकी ये टंगस्टन, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, वैसे हमने एकदम समेट करके सारी चीजें बता दी हैं। अब विद्युत धारा का उसमें प्रभाव में चले चलते हैं, देख लेते हैं जो भी चीजें इसमें आपके लिए हैं इंपॉर्टेंट, वो चीजें देख लेते हैं। विद्युत क्षेत्र आ जाता है अगला, क्या आ जाता है? विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र यहाँ पर, विद्युत, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र जो होता है इसको हम ई के नाम से लिखते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? ई बोलते हैं। ठीक है, इसका इसका मात्रक जो होता है वो वेबर मीटर होता है, सॉरी
वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं ई। क्या बोलते हैं इसको हम ई, ठीक है। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की, विद्युत क्षेत्र मतलब ये हो गया, ठीक है। और ये विद्युत क्षेत्र है, और विद्युत क्षेत्र की हम तीव्रता अगर यहाँ पर लगा दें, क्या लगा दें, तीव्रता, इसको हम टेस्ला बोल देंगे। क्या बोल देंगे, टेस्ला, ये चीज, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गया। ये चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहां से लिखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र लिखना था। चुंबकीय क्षेत्र विद्युत में घुसे थे ना, तो विद्युत दिमाग में, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र आपका मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और उसकी जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की बात आ जाए तो उसको हम टेस्ला बोल देंगे। ये इतनी चीजें आपकी हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ से आपको ये सब, और एक बात है कि विद्युत धारा, विद्युत धारा जिसमें उत्पन्न होता है, विद्युत धारा, विद्युत धारा आपको दो चीज में, एक आपका देखिए एक जनित्र होता है, क्या होता है, जनित्र में आपका विद्युत धारा बनता है, विद्युत धारा इसमें एक बनता है, ठीक है। तो दो काम है, आप देखिए एक डायनेमो को समझिए, एक आप मोटर को समझिए। मोटर क्या होता है, मोटर आपको बिजली लेगा तभी चलेगा, तो यानी विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा, किस ऊर्जा, विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में। और जो जनित्र आपका जो डायनेमो होता है वो आपको यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद आपका समझते हैं आपका फ्रेमिंग के हाथ का नियम देख लीजिएगा, आपके उसके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप के जो भी क्वेश्चन है आपको उसके रूप में हमने बता दिया है। अब नवीकरणीय स्रोत में अगर आप आते हैं तो इसको समझ सकते हैं कि आपका नवीकरणीय स्रोत और नवीकरणीय जो खत्म हो जाते हैं फिर से न मिले, वो आपका आपका नवीकरणीय, फिर उसके बाद अनवीकरणीय, ये चीजें आपका एक चैप्टर में से थोड़ा कम पूछा जाएगा इसमें, लेकिन आपको एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। तो हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री का हमने एक एक वीडियो बना दिया, बाकी बायोलॉजी बचता है, तो बायोलॉजी में थोड़ा क्या है, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, तो टाइम के हिसाब से अब इसको आप पढ़ लेंगे इतना ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। बायोलॉजी का आप एक बार पढ़ लेंगे तो उसको आपको भी आ जाएगा, लेकिन इतने से अगर जितने मैंने ऑब्जेक्टिव यहाँ पर बताया है अगर इतने ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान का, तो आपका 100% इनका अंक तो यहीं से मिल जाने वाला है, ओके। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप संतोष मर्ग दीजिए इजाजत, और आपको जो न्यूमेरिकल हल करना है, जो परिपथ वाला ग्राफ परिपथ वाला होता है उसको जरूर लगा लीजिए, ओके। पीएच मान ये भी, बाकी मिलेंगे इंग्लिश की क्लास में, इंग्लिश आपका वही है, इंग्लिश वाली क्लास में आप हमारा वीडियो देखिएगा, आपको जरूर अम्मा अगर आप नहीं पढ़े हैं तो जरूर आपको मार्क मिलेगा, और मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जरूर विजिट कर लीजिएगा, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए, डिस्क्रिप्शन चेक करिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, मिलेंगे अगली वीडियो में।